नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। नमस्कार, मैं 12वीं कक्षा आर्ट्स विभाग का छात्र वेदांत आर्य आज आपके सामने भक्ति के महान प्रवर्तक संत कबीर इस विषय पर अपने विचार प्रकट करने जा रहा हूं। कहते हैं जो ज्ञान आसानी से मिल जाता है उसका कोई महत्व नहीं रहता, परंतु यह बात तब तक सत्य है जब तक उस ज्ञान को देने वाले के परिश्रम योगदान आदि के बारे में हम नहीं सोचते या नहीं जानते। भारत के कवि लेखक साहित्यकारों ने हमें विरासत में इतने महान विचार व संस्कार दिए हैं जो संसार के किसी भी साहित्य में हमें नहीं मिलेंगे। इन्हीं बहुमूल्य संस्कारों के एक दाता हैं संत कबीरदास। कहा जाता है कि स्वामी रामानंद ने अपने एक ब्राह्मण भक्त की विधवा पुत्री को पुत्रवती होने का अनजाने में आशीर्वाद दे दिया। वह विधवा माता नवजात पुत्र को समाज के भय से लहर ताला ताल के पास छोड़ आई। नीरू और नीमा नामक एक जुलाई दंपत्ति ने उसका लालन पोषण किया। वह बालक कबीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक रात की बात है, काशी में गंगा स्नान करते लौटते समय स्वामी रामानंद का पांव कबीर पर पड़ गया। उनके मुख से अचानक निकले राम राम शब्द को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। माता पिता के पास इतने साधन नहीं थे कि वह बालक कबीर को मदरसे में पढ़ने के लिए भेज सके। शायद यही कारण था कि वह कभी भी किताबी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके। मसी कागद छो नहीं, कलम गई नहीं हाथ, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ी सो पंडित होए। योगी फकीर जो मिल गया उन्होंने उनसे कुछ न कुछ सीखा। इसी कारणवश उन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों का ज्ञान प्राप्त हुआ। वो कहते हैं ना कि व्यक्ति की कोई कमतरता या कमी उसकी विशेषता का कारण बन जाता है। बस यही बात कबीरदास जी के साथ भी हुई। पुस्तकी ज्ञान न होने के कारण ही शायद उनकी रचनाओं में अत्यंत सरल भाषा का प्रयोग हमें दिखाई पड़ता है। दोनों धर्म की बुराइयां एवं कमियों को उन्होंने निडरता से उजागर किया, हिंदुओं और मुसलमानों में प्रेम बढ़ाने की चेष्टा की। इस महान भक्ति पंथी संत ने अपना अधिकतर समय काशी में ही बिताया। कहते हैं कि मृत्यु के समय उनकी आयु 120 वर्ष की थी। देह रूप से वह जा चुके हैं, परंतु उनकी सीख दोहों के माध्यम से आज भी हमारे बीच में जीवित है। सुरा पान अचवन करे पीवे तमाकू भंग, कहे कबीर ए रामजन तिनको करो न संग। यह दोहा नशाखोरी के विकार को दर्शाता है। क्या यह आज की पीढ़ी के लिए सटीक नहीं है? क्रोध अग्नि घर घर बड़ी, जले सकल संसार, दीन नीन नीज भक्ति को तिनके निकट उभार। क्रोध और द्वेष की अग्नि में आज सारा संसार जल रहा है। आतंकवाद नामक ये सांप फन फैलाए खड़ा है। इस स्थिति में जो विनम्रता वह भक्ति में लीन होगा उसी का उद्धार होगा। और ये विचार कवि कबीरदास जी ने सैकड़ों वर्ष पूर्व हमें सिखा दिया था। मैं और कितने उदाहरण दूं? मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे ये बताते बताते कि आज भी उनकी रचनाएं हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। बहुत गया थोरी रही व्याकुल मन मत होए, धीरज सबका मित्र है करी कमाई न खोए। आज विश्व कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है, धीरज से ही इसका सामना करना होगा। इसी धैर्य का महत्व हमें कबीरदास जी ने इस दोहे में बताया है। क्या ये एक संयोग है? नहीं, यही तो संत कबीरदास जी की अमृत वाणी है जो हर युग हर समय में हमें उपयोगी है। मन के हारे हार है मन के जीते जीत, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाइए मन के ही प्रतीत। कबीर जी के इन्हीं विचारों के साथ मैं वेदांत आर्य संत कबीरदास जी को शत शत प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।